अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन पाकिस्तान को एज होगा, बट ये एक फील्ड गेम है, इसमें जो बेहतर स्ट्रेटजी से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और वेदर को मद्देनजर रखते हुए, फील्ड को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम को पुट करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, टैक्टिक बनाएगा, उसको एज होगा। और पाकिस्तानी टीम बेहतरीन स्पिरिट में है और होपफुली वो इस मैच में बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में है। आगाज हुआ आलमगीर गाजी की लॉन्ग बॉल थी फरीदुल्ला की तरफ और मोहम्मद वहीद भी, इनसे अच्छी तवक्को है हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं रहीस ले आएंगे। उसके बाद फिर जो एलोकेट कर दिया गया सेकंड राउंड के लिए वो ग्रुप्स हैं जिसमें सऊदीया, जॉर्डन और ताजिकिस्तान ग्रुप जी में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं और वो डाउन द 26 कंट्रीज रैंकिंग में एएफसी की आती हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान अटैक है मुगमडिया की तरफ से, लेकिन डिफेंडर पाकिस्तान के वहाँ पे मौजूद थे। कंबोडिया की तरफ से अटैक, खतरनाक खिलाड़ी हैं कंबोडिया के 16 नंबर के, डी के अंदर फील्ड स्लिपरी है और क्रॉस किया डी के अंदर, डिफेंडर पाकिस्तान के आतिफ खान मौजूद है टॉप टी पे, खतरनाक हो सकता है टीकी, लेकिन डिफेंडर पाकिस्तान के वहां पे मौजूद अब्दुल्ला इकबाल। पाकिस्तान की तरफ से अटैक था मोहम्मद वहीद, बिस्वा बॉल और बहुत अच्छा ईसा सुलेमान, फॉर्मर प्लेयर है ईसा सुलेमान, अच्छा मौका पाकिस्तान टीम के लिए और ये था ठीक है ना, खतरनाक हो सकता है और अच्छा चांस था चंटिका के पास। अटैक है कंबोडिया की तरफ से, बीट हुए डी, खतरनाक हो सकता है, डिफेंडर वहां पे मौजूद थे और गोलकीपर यूसुफ बट वहां पे मौजूद थे, उमर हयात रिपीट हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती रही पाकिस्तान की कैसे तरीके से कंट्रोल। अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, वहीद थे लेकिन बरवक्त पहुंचे चंटिका, बड़ा अच्छा रिकवर किया चंटिका ने। अटैक है कंबोडिया की तरफ से, फेलिक्स डेलमर्स है कोच अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक। अटैक है, स्ट्राइक की और अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन डिफेंडर वहां पे उमर हयात मौजूद थे, अच्छी कोशिश थी चांतिया की लेकिन बरवक्त पहुंचे अपनी टीम को सपोर्ट देने के लिए 21 नंबर के आलमगीर। क्राउड का शोर है और पाकिस्तान और कंबोडिया की टीम्स आमने सामने है, फ्री किक लगी टी के अंदर, डिफेंडर वहां पे मौजूद कंबोडिया के रईस नबी ने बॉल को हासिल किया और सही तरीके से मोइन अहमद थे, उनका बॉल पोजेशन, उनका टीम कॉम्बिनेशन, उनका अटैक पे आना, उनका डिफेंस में ऑर्गेनाइज होना बहुत बेहतर जा रहा है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की टीम से। अटैक है वही मोहम्मद वही ने पाकिस्तान के लिए, कुछ कर सकते हैं टी के अंदर गए हैं, बीट करना चाहते हैं और सही तरीके से बॉल कंट्रोल नहीं कर सके मोहम्मद वही। कराची कंबोडिया के खिलाड़ियों ने चंटिका माइनस किया लेकिन बड़ा अच्छा ब्लॉक किया कॉर्नर किक लेने के लिए, कॉर्नर किक लगी, स्ट्रॉन्ग बनाई है, बीट किया, बॉल छीना और मोहम्मद वहीद की तरफ बॉल जाएगी, देखते हैं लेकिन फाउल की किक मिली है। 39 मिनट जारी है और पहला हाफ है, आलमगीर गाजी, रईस नबी और मोइन की तरफ बॉल गई है, पाकिस्तान के मोइन ने बॉल को हासिल किया, ये भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, आलमगीर गाजी, मोइन, रईस नबी टॉप डी पे, फरीदुल्ला की तरफ बॉल आई है डी के अंदर, फरीदुल्ला बीट करना चाहते हैं, विसल
और डिफेंडर वहां पे मौजूद है विसल फरीदुल्ला, बहुत अच्छी कोशिश फरीदुल्ला, एक दफा फिर माइनस किया और कॉर्नर किक लेने में कामयाब हुए। जुनेद और मोइन जुनेद लेफ्ट से किक लगाई और गोलकीपर खिमयू थे वहां पे, निकोलस टेलर, यूसुफ भट्ट के लिए अटैक है, नौ नंबर के खिलाड़ी शांतिया थे, बॉल छीना रईस नबी, पाकिस्तान के लिए रईस नबी, लेकिन जूते और अब्दुल्ला इकबाल पाकिस्तान के डिफेंडर हैं। कंबोडिया की तरफ से अटैक, शांतिया, ओगावा, ओगावा बॉल को ले जाते हुए लॉन्ग रेंज ट्राई की ओगावा की, अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, माइनस किया, अच्छी कोशिश थी, कनेक्ट कर सकते थे, तो मिडफील्ड बड़ा टाइमली जो है, अटैक है, रईस नबी ने बॉल हासिल किया था, फरीदुल्ला टॉपी पे, जुनेद है, शायद दोस्त की ट्राई थी, अच्छी कोशिश थी, शायद दोस्त ये बिल्कुल अजमल, और जो स्पेशली फरीदुल्ला पाकिस्तान के लिए, शायद दोस्त, रईस नबी, अब्दुल समद, अब रईस नबी, नौ नंबर के खिलाड़ी हैं जुनेद शाह थे, लेफ्ट से शाहिद दोस्त का क्रॉस, बॉल को हासिल किया, और खिलाड़ी हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, और राइट आउट की पोजीशन पे बॉल ने हासिल, बॉल को हासिल किया है, बहुत तगड़ी माइनस किया था, 11 नंबर के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, हारून रशीद, क्रॉस किया हारून रशीद ने और हासिल किया, नुमान इब्राहिम इस वक्त असिस्टेंट कोच हैं गोलकीपिंग स्क्वाड में, फरीदुल्ला, अब्दुल समद, अब्दुल समद के अंदर खतरा गुजरा, आलमगीर गाजी, आलमगीर गाजी थे यहां पे, काफी उमर हयात ने टैकल किया, रईस नबी, ओगावा, रईस नबी, अब्दुल समद 19 नंबर की शर्ट पहने, अब्दुल समद ने बीट किया टॉपी पे, ट्राई की, लेकिन अब्दुल समद की टीम में खेल रहा है गौरजमान, नो डाउट के अटैक है और हेड के जरिए क्लिक किया था, बहुत अच्छा हेड के जरिए कनेक्ट किया था, अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ अटैक है, अच्छी कोशिश थी जुनेद की, सिलेक्शन जो है ना ठीक नहीं है, वो नहीं है, लेकिन और अच्छी कोशिश थी, बहुत उम्दा कोशिश थी, बहुत उम्दा, टैग बॉल मिली है डी के अंदर, खतरनाक हो सकता है, लेकिन डिफेंडर वहां पे मुझे ओगावा ने बॉल को हासिल किया था, आलमगीर गाजी ने बड़ा अच्छा रिकवरी किया, अब्दुल समद पाकिस्तान के लिए, अब्दुल समद पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी हैं, और ओगावा और फाउल किक मिली, गौरजमान आप कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान के फॉर्म इंटरनेशनल कल के द्वारा, अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, अच्छी कोशिश है और रईस नबी थे, और एक अच्छा अटैक बिल्ड कर रहे हैं, उमर हयात की क्रॉस था, लेकिन फरीदुल्ला से तरीके से कनेक्ट, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है और उम्मीद करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए और बॉडी का क्याम अमल में आ सके, अटैक है पाकिस्तान की तरफ से, अच्छी कोशिश है और पाकिस्तान के लिए गोल स्कोर करने में कामयाब हुए हैं, बहुत उम्दा गोल, 11 नंबर की शर्ट पहने हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी हारून रशीद, हारून रशीद, पाकिस्तान की टीम ने कंबोडिया के अगेंस्ट बढ़ती हासिल कर ली है, नो डाउट अजमल जितनी भी तारीफ की जाए कम है, हारून रशीद गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, 11 नंबर की शर्ट पहने हुए हारून रशीद थे यहाँ पे और बहुत अच्छा बॉल बड़ा किया उन्होंने लेफ्ट से, बड़ा अच्छा मिस किया बॉल उस फॉरवर्ड ने हारून रशीद के लिए, और बड़ा अच्छा लेफ्ट फुट बॉल को प्लेस किया,
अपने बॉल को हासिल किया, पाकिस्तान के गोल स्कोरर भी हैं, जाना चाहते हैं और फाउल। हारून को इस टाइम बड़ा कूल रहना चाहिए। पड़ा है जुनेद, पाकिस्तान बड़ा अच्छा अटैक कर रही है लेफ्ट साइड से, शेख दोस्त के जाने से। खतरनाक खिलाड़ी हैं, जाना चाहते हैं टीमें, लेकिन उमर हयात फील्ड में नंबर सिक्स नंबर बड़ा की प्लेयर है, बड़ा अच्छे पेनिट्रेटिंग पासेस। हारून पाकिस्तान के गोल स्कोरर हैं, बड़े आगे खतरनाक हो सकता है। हारून ने बॉल को हासिल किया, फरीदुल्ला खतरनाक दे, पहले बॉल देते हैं तो बहुत स्पेस मिली थी उनको, फरीदुल्ला को विसल, अच्छी कोशिश किया, माइनस किया और गोल पोस्ट से टकराई है बॉल। हारून फरीदुल्ला की लीग में प्रोफेशनल खेल रहे होते हैं तो डेफिनेटली यू इग्नोर अब्दुल समद, पाकिस्तान के लिए यू इंप्रूव एज वेल। रईस नबी लेफ्ट से क्रॉस, बड़ा अच्छा क्रॉस और कोई भी खिलाड़ी विश्व नंबर के चंचप अटैक है, लॉन्ग रेंज ट्राई थी, माइनस करना चाहते थे लेकिन और किम यू हासिल है और आखिरी लम्हात हैं, ग्रुप जी में जाएगा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जॉर्डन और ताजिकिस्तान की टीम, और इस पाकिस्तान की टीम ने कंबोडिया की टीम को शिकस्त दे दी है। कंबोडिया की टीम को सिफर के मुकाबले में एक गोल की शिकस्त, स्थिति बन कॉन्स्टेंटाइन, सारी की सारी मेहनत पाकिस्तान की कोशिश की भी है और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आइकन साबित हुए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल और उन्होंने बड़ा मैनेज किया टीम को। नुमान इब्राहिम स्क्रीन भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के गोलकीपिंग कोच नुमान इब्राहिम, यूसुफ भट्ट, क्रेडिट गोज टू टीम प्लेयर्स टीम ऑफिशियल्स एज वेल, ही मेक्स हिस्ट्री एज वेल। होम मैच में कंबोडिया की टीम को 2026 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में सिफर के मुकाबले में एक गोल से शिकस्त दे दी और ग्रुप जी के लिए जगह बना ली है, जो कि आप नवंबर में मैच है आपका, जो कि 21 या 23 नवंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जॉर्डन और ताजिकिस्तान की टीम्स भी हमारे इस इंटरनेशनल वेन्यूज पे आएगी। अजमल नो डाउट के फेडरेशन भी इस टाइम PFF भी काफ़ी क्राइसिस में है, काफ़ी अंडर प्रेशर है, इलेक्शन का भी है अब वो भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये टीम मैनेज कर रहे हैं और इस लेवल तक आ रहे हैं तो नो डाउट क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। और एक बड़ा अच्छा मैच और पाकिस्तान मेक्स अ हिस्ट्री और स्टिल मैं जो कमर जो PFF हैं, जो हमारे फुटबॉल कम्युनिटी हैं, वी शुड थिंक फॉर अ प्रोफेशनल लीग, वी शुड वर्क फॉर अ प्रोफेशनल लीग, दैट्स द ओनली वे, वी शुड वर्क ऑन द ग्रास रूट एज वेल, that's the only way we have to go forward, we should avoid project based teams that we just go for the competition and finish, no, we should think for years, 50 years 40 years, we should have a vision.